मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सब कुछ, स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आप फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर वन में चैप्टर नंबर पाँचवा था एंटी रेथमिक ड्रग्स। तो आपने लास्ट क्लास में देखा था, लेक्चर नंबर 11 में मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्लासिफिकेशन के बाद जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका फार्माकोलॉजी लिखा जाता है, यानी शॉर्ट नोट लिखा जाता है, और वो सारा शॉर्ट नोट बोर्ड पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ न्यू टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्लासिफिकेशन के एक बार थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, हमने बताया था कि एंटी रेथमिक ड्रग चार क्लास में बटा है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर। और क्लास वन में तीन क्लास थे, A1A, 1B, 1C, और क्लास टू, थ्री, फोर आपको पता है। लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए ड्रग को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 1A ड्रग की बात करेंगे, जिसमें हमारा क्विनिडिन आता है ड्रग। तो इसमें हमारा पहला ड्रग है क्विनिडिन। अब क्विनिडिन पे क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है बहुत ही आसान भाषा में। तो मैं आपको जो पढ़ते जा रहा हूँ, आप इसको सेम पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, या मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा ईजी करके, तो आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप छोटा करके लिखें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो जो बेसिकली देखा जाए तो ये क्विनिडिन जो है वो दुनिया का सबसे पहला ड्रग है जिसको एज ए एंटी एरिथमिक ड्रग यूज़ किया गया था 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। आपको पता है कि जो मलेरिया की दवा होती है सिंकोना ऑफिसिनेलिस जो होता है ना प्लांट, उसके ही बार्क से ये निकलता है क्विनिडिन, जो मलेरिया की दवा है। तो और यही क्विनिडिन जो होता है ये एरिथमिया को भी ट्रीट करने के लिए पहली बार यूज़ किया गया था। ठीक है, एक बीमारी थी रेबेलियस पाल्पिटेशंस, उसके लिए सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। तो फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट की बात देखा जाए तो ये थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेबिलिटी होता है। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है, ऑटोमेटिसिटी को क्या करता है घटाता है। देखिए दूसरा, इट डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, जो कंडक्शन अपने आप तेजी से होने लगता है उसको कम करता है। और प्रोलॉन्ग एपी, ठीक है, ये क्या करता है कि आपके एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है, ताकि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अपर सिस्टम प्रॉपर होगा। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इसके क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की, यानी कि आपको पता है काइनेटिक्स क्या होता है, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये सब आप पहले पढ़ चुके। तो इसकी बात करें तो क्विनिडिन का जो काइनेटिक्स अगली हेडिंग है, ये वेल एब्जॉर्ब होता है। अगर आपको पता है जब कोई भी टैबलेट वेल एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम टैबलेट के फॉर्म में ओरली देते हैं, तो इसको हम ओरली दे सकते हैं। और इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो करीब 80% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, और ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड, सो इट इज़ टेकन ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज अबाउट 80% एंड इट बाउंड विद द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सटेंसिव हिपैटिक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, और इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में सारा, क्योंकि सबको पता है कि मैक्सिमम सभी दवाओं का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में ही होता है, तो इसका भी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तक कहाँ होता है, लीवर में। और ये क्या होता है, 3-हाइड्रोक्सीक्विनिडीन। अब इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है फ्रेंड, तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है क्विनिडीन का जब हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन कराते हैं तो बनता है 3-हाइड्रोक्सीक्विनिडीन। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में खुद से लिख सकते हैं कि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन, आफ्टर हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन क्विनिडीन इज कन्वर्ट इनटू 3-हाइड्रोक्सीक्विनिडीन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या सकता है कि इट इज़ नियरली एज अ पोटेंट एज क्विनिडीन इज ब्लॉकिंग द कार्डियक सोडियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग कार्डियक एक्शन। ठीक है, कैसे काम करता है ये सोडियम चैनल, जो कार्डियक सोडियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए और हमारा कंडक्शन सिस्टम देर तक बना रहे। ठीक है, तो क्विनिडिन का यूज़ क्या है, तो यूज़ तो आपको पता है जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग है तो रिदम के लिए यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ ये आर्टेरियल फाइब्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और किसी किसी केस में ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फेलियर VF यानी फेलियर के केस में भी हमें क्विनिडिन का यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। भाई सभी दवाओं का एडवर्स इफेक्ट आपको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि आपके जीपैट में एडवर्स इफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके दो एडवर्स इफेक्ट है, एक हार्ट पे इसका एडवर्स इफेक्ट और दूसरा हार्ट के बाहर। तो जो नॉन कार्डिया के हार्ट के बाहर है वो क्या होता है, डायरिया है, थ्रैम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, सिंकोनिज्म हो सकता है, और स्किन रैसेस हो सकते हैं। बाकी बात करें कार्डियक में तो ये क्या कर सकता है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है। क्यूटी आप जानते क्या होता है, आपको पता है कि जो आपके हार्ट के जो वेव्स होती है PQRST, आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा है, तो उसमें PQRST में क्यूटी सेगमेंट होता है, इंटरवेल होता है, उसी को प्रोलॉन्ग कर देता है। ठीक है, 2-8% तक। बाकी ये हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकता है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है, एंड टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है, ब्लड की रिदम को बढ़ा सकता है, कि इसके साइड इफेक्ट है। अब ये हमारा ड्रग था पहला क्विनिडिन, इसका नोट्स हो गया फ्रेंड। अब हम बात करेंगे दूसरे ड्रग की इसी में, इज द डिसोपायरामाइड। ठीक है, तो डिसोपायरामाइड की बात करेंगे, प्रोकेनामाइड की बात करेंगे। तो पहले डिसोपायरामाइड की बात करते हैं, तो ये बेसिकली अब इसकी बात कर लेते हैं क्या ये कैसे काम करता है, क्योंकि क्लास वन ए कैटेगरी का है। तो एग्जर्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट वेरी सिमिलर टू द क्विनिडिन, ये क्विनिडिन की तरह ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। और ये क्विनिडिन से ज़्यादा अच्छा टॉलरेट होता है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि क्विनिडिन एक फ्रेंड एक पुराना वर्जन है, सबसे पहली दवा है, तो उससे अपडेटेड है ये सब दवाइयाँ हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा किया जाता है। एग्जर्ट प्रोमिनेंट एंटीकोलर्जिक एक्शन, इसके साथ साथ इस ड्रग का एक एंटीकोलर्जिक एक्शन भी होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों ये एंटीकोलर्जिक एक्शन देता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में आपके एंटीकोलर्जिक ड्रग एट्रोपिन के साथ मिलता जुलता है। दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर मिलने के कारण ये एट्रोपिन वाली आपकी एंटीकोलर्जिक वाले रिसेप्टर कोलर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एंटीकोलर्जिक एक्शन देते हैं उसको ब्लॉक करके, ठीक है। इसका एक्शन और क्या है, निगेटिव एक्शन आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये घटाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा में आपको कॉज कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ और यूरिनरी टेंशन भी ये इसके इसको एक्शन होते हैं, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है बेसिकली। यहाँ पे ए ई दिख रहा है, ए ई मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट, ये इसके तीन चार एडवर्स इफेक्ट इसको आप लिख लीजिएगा, बस ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखिए और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं प्रोकेनामाइड की, तो लेसर नया ड्रग है प्रोकेनामाइड, इसकी बात करेंगे तो दिस इज अ लेसर वैगोलाइटिक एक्शन, डिप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इन फॉलन पीपल, ठीक है। क्या करता है, वैगोलाइटिक एक्शन को थोड़ा सा कम करता है, ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है, डिप्रेस करता है और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से क्या है कि ये एसाइलेशन, जैसे आपने देखा था कि क्विनिडिन में हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा था, तो इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन से होता है। तो जब एसिटाइलेशन होता है तो ये एन एसिटिल प्रोकेनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोकेनामाइड का जब भी एसिटाइलेशन रिएक्शन लीवर में होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये बदल जाएगा एन एसिटिल प्रोकेनामाइड, ठीक है, जिससे क्या करेगा कि सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। डज नॉट अल्टर प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल, या अगर इसको डिजॉक्सिन लेवल के साथ खाया जाए तो इसको लेवल को ये चेंज नहीं करता है, उसके साथ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं शो करता है। इसमें कार्डियक साइड इफेक्ट क्या है, इसमें कि क्विनिडिन की तरह ये कार्डियक एडवर्स इफेक्ट भी शो करता है, जो जो क्विनिडिन ने शो किया था सारे एडवर्स इफेक्ट ये भी शो करता है, ठीक है। बाकी आप इसमें चीज़ें देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसका यूज़ क्या है, मोनोमॉर्फिक बीटी और डब्ल्यूपीबी सिंड्रोम के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं डब्ल्यूपीडब्ल्यू, ठीक है। आप क्लास 1B की बात करेंगे तो 1B में कौन से ड्रग आती है आपने पढ़ा था, तो उसमें पहला ड्रग हमारी बात करेंगे लिग्नोकेन की बात करेंगे, तो लिग्नोकेन या लिडोकेन भी इसको कहते हैं फ्रेंड। तो लिडोकेन या लिग्नोकेन की अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली कैसे काम करता है, इट ब्लॉक्स द इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल मोर देन द ओपन स्टेट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आपका सोडियम चैनल खुला रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फायरिंग होगी और एक बार फायरिंग होगी तो हार्ट में कंडक्शन बहुत तेज हो जाएगा। तो क्या करता है लिडोकेन लिग्नोकेन, ये स्टेबलाइज कैसे करते हैं, ये रिपोलराइज को कैसे कैसे कम करते हैं, ये क्या करते हैं आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। रिलेटिवली सेलेक्टिव फॉर द पर्टिकुलर डिपोलराइज सेल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डिपोलराइज सेल्स होते हैं, सेलेक्टिवली एक्ट ऑन द डिजीज्ड मायोकार्डियम में काम करता है, रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यानी एक्शन बहुत जल्दी शुरू होगा लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबे समय तक इसका नहीं होता है। यूजफुल ओनली इन द वेंटिकुलर एरिथमिया, वेंटिकुलर एरिथमिया केस में इसका यूज किया जाता है। ये इसके छोटा सा पॉइंट हो गया, बस इतना ही आप लिखिए, आपके जीपैड के लिए भी और नोट्स के लिए भी काफ़ी है आपके, ठीक है। लिडोकेन इज नॉट यूजफुल इन द आर्टेरियल एरिथमिया, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि क्यों हम लोग आर्टेरियल एरिथमिया के केस में लिडोकेन का यूज नहीं कर सकते। इसका जवाब क्या है कि आर्टेरियल एक्शन पोटेंशियल आर टू शॉर्ट टू द सोडियम चैनल इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट ओनली ब्रीफली, ठीक है। क्योंकि जो आपके आर्टेरियल एक्शन होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, ये बहुत छोटे समय के लिए, आपको पता है आर्टिकल और वेंट्रिकल होता है, तो जो ऑरिकल वाले इंपल्स होते हैं वो कम समय के लिए होता है और वेंट्रिकल वाला ज़्यादा समय का होता है। और इस केस में क्या होता है कि इसमें क्योंकि ये केवल आर्टिकल के लिए काम करता है, इसलिए हम इसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होता है और ये सोडियम चैनल को क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं लिडोकेन की फार्माकोकाइनेटिक्स की थोड़ी सी, तो ये क्या है भाई, अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी बहुत हाई होती है, इसलिए इसको टैबलेट के फॉर्म में देना समझदारी नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम कंटेंट हमारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, केवल 2 घंटे के लिए होता है, 8 मिनट इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। और प्रोपेनोलॉल के साथ अगर आप देते हैं इस ड्रग को, तो ये लिडोकेन के हाफ लाइफ को घटा देता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जी पैड के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ड्रग अफेक्ट द हाफ लाइफ ऑफ लिग्नोकेन, 4-5 ऑप्शन दे देगा, मेटाप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको समझना होगा। इसका डोज जो होता है मार्केट में 50 से 100 मिलीग्राम के फॉर्म में आता है, और बाकी 20 से 40 मिलीग्राम एवरी डे हम लोग दे सकते हैं आईवी के फॉर्म में। एडवर्स इफेक्ट इसकी देख लेते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे लिडोकेन का, तो रिलेटिवली सेफ होता है रिकमेंडेड डोज की, अगर आप रिकमेंडेड डोज जो ले रहे हैं 50 से 100 मिलीग्राम वाला, वो तो आपके लिए सेफ है। अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मसल ट्विचिंग, ये सब हो सकता है, कुछ केस में रेयरली कन्वर्जन यानी मिर्गी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड विजन, निस्टैगमस हो सकता है, और लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक एरिथमिया की भी कॉज प्रॉब्लम ये कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास 1B में ही अगली ड्रग की, मेलैक्सिटिन की,
तो मैक्सिलिटिन की बात करेंगे, मैक्सिलिटिन के बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो ये एक तरह का ओरल एनालॉग हो लिडोकेन का। देखिए लिडोकेन जो ड्रग होती है फ्रेंड, उसको हम ओरली इसलिए नहीं दे सकते कि बहुत जल्दी वो बॉडी से मेटाबोलाइट हो जाता है, लेकिन इसका ओरल एनालॉग यानी उसी का दूसरा रूप हम लोग क्या ले सकते हैं, मैक्सोलिटिन। तो मैक्सिलिटिन को दे सकते हैं, ये इसमें नो फर्स्ट पॉज मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है, इसलिए अगर आपको टैबलेट के फॉर्म में देना है तो बेहतर है कि आप लिडोकेन की बजाय आप क्या दीजिए, आप मैक्सिलिटिन दीजिए। ठीक है, अब इसका यूज़ जान लीजिए कि ये क्रोनिक ट्रीटमेंट करता है वेंट्रिकुलर एरिथमिया के केस में, बाकी साथ साथ ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI के केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बाकी अनलेबल्ड यूज इन द डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक मतलब जब किसी पेशेंट को डायबिटिक्स के केस में न्यूरोपैथी होती है, यानी न्यूरॉन्स में पेन होता है, मसल्स में पेन होते हैं न्यूरॉन्स में बेसिकली, तो उस केस में भी इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, ट्रीमर इज अर्ली साइन ऑफ द मैलाक्सिटिन टॉक्सिटी। इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट क्या है कि ट्रीमर यानी कि थोड़ा सा मसल्स में ऐठन होती है, बाकी हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वेडनेस, QRS, डिजीनेस, ये भी इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगली ड्रग है फ्रेंड इसी में, दिस इज़ द टोकेनिड। तो टोकेनिड के बारे में जान सकते हैं कि बिल्कुल सेमली, बिल्कुल लिडोकेन की स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होता है, उसी का एनालॉग होता है, लेकिन इसका यूज़ कैरियर नॉन साइड कार्डिक साइड इफेक्ट में भी ये देते हैं और इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 1C ड्रग की। तो 1C ड्रग में क्या होता है, जो कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, हार्ट के कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, इनकी बात करेंगे हम लोग। तो इसका ड्रग में पहला हमारा ड्रग है प्रोपाफिनोन, ये क्लास 1 का। ये आपको देखा है क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, मैंने बताया था 3 ड्रग होता है, प्रोपाफिनोन, इनोकानाइड और फ्लेकेनाइड। तो उसमें हमारा पहला ड्रग है प्रोपाफिनोन की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरली जो होता है ये बीटा ब्लॉकर की तरह मिलता जुलता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोपाफिनोन का, ये आपका बेसिकली जो ड्रग होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, मेटेप्रोलॉल, टिस्मोलॉल, सोटालॉल, इनकी तरह का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। ठीक है, और लेकिन इसमें भी लेकिन इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनकी से थोड़ा सा वेरिएबल होता है। रिवर्स ड्रग फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज रिट्रेंट ट्रैकिकार्डिया इन्वॉल्व एसेसरी पाथवे। ठीक है, इसका जो काम होता है बेसिकली वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग। आपको पता है दो प्रकार के होते हैं ना, ऑरिकल और वेंट्रिकुलर। एडवर्स इफेक्ट जो होता है इसका क्या है, ये मेटालिक टेस्ट होता है, थोड़ा सा उसका टेस्ट गंदा है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, कब्ज हो सकती है पेशेंट को, और ये इसका एक सिंपल सा साइड इफेक्ट है। अगला ड्रग है फ्रेंड हमारा फ्लेकेनाइड। तो फ्लेकेनाइड की अगर हम बात करें तो फ्लेकेनाइड में क्या होता है, इसको भी एक तरह से पोटेंट ब्लॉकर है, ये सोडियम और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है और अनब्लॉकिंग काइनेटिक्स को स्लो कर सकता है। ठीक है, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है लेकिन इसको ये क्विटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग नहीं करता है, इसके साथ साथ ये रिदम को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो कार्डियक एरिथमिया केस में आप इसको छोटा सा इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। तो क्लास 2 में आते हैं, क्लास 1 के तीनों हो गया, 1A, 1B, 1BC। क्लास 2 में हमारे होते हैं बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स, तो इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग जब पढ़ रहे थे चैप्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बस हमको हल्के से जान लेना है इनके बारे में, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो आपको वही चैप्टर का जवाब देना है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज बीटा ब्लॉकर जो होता है वो 3 काम कर सकते हैं। अगर बीटा रिसेप्टर में कोई ड्रग बाइंड कर रही है बीटा, तो वो क्या काम कर सकती है, ऑटोमेटिसिटी बढ़ा सकती है, AV कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ा सकती है और रिफ्रैक्टिव पीरियड को घटा सकती है, और इन तीनों ही केस में एरिथमिया हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, ताकि बीटा ब्लॉकर जब देंगे तो ऑटोमेटिसिटी घटेगी, AV कंडक्शन वेलोसिटी घटेगी और रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ेगा। इस तरह से काम करके बीटा ब्लॉकर ड्रग हम लोग देते हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर ड्रग में कौन कौन सी दवाइयाँ आपको पता ही हैं सारी, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि दिस इज द एल्पिनिनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, प्रोपेनोलॉल है और पिंडोलॉल है। ठीक है, क्या करते हैं कि ये डिपोलराइजेशन फेज को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे आपका ये चीज़ें आपको एरिथमिया जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, स्मोलॉल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका क्या हाफ लाइफ है, कहाँ पर काम करता है, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो लिखिए, वरना नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, नाम ही काफ़ी है। क्लास 3 ड्रग में आते हैं, तो क्लास 3 ड्रग आपको पता है क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज़ करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है एमिड्रोन। एमिड्रोन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड आपको एमिड्रोन को थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में। तो एमिड्रोन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ये एक तरह से आयोडीन इसमें पाया जाता है। एमिड्रोन में आपको नाम से लग रहा होगा, AM हटा दो तो IODO जो लग रहा है वो आयोडीन से बना हुआ है, तो इसमें आयोडीन कंटेनिंग ड्रग होता है। मैकेनिज्म इसका एक्शन कैसा है, इसका मल्टीपल एक्शन है, ये कई तरह से काम करता है। जैसे कि मैं पहली बात करूं तो ये प्रोलॉन्ग्ड APD बाय ब्लॉकिंग पोटेंशियल चैनल। ठीक है ना, ये एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन को क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके क्या करता है, उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है। ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर देता है, ये बीटा को भी ब्लॉक कर सकता है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है। इस तरह से ओवरऑल ये कंडक्शन और एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी को घटा देता है, और जब कंडक्शन ऑटोमेटिसिटी घटेगा तो एरिथमिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये इस तरह से एमिड्रोन काम करता है। तो एमिड्रोन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर ले हम लोग, तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स फ्रेंड्स क्या है कि ये वेरिएबल है, करीब 35 से लेकर 65% तक से 35 से 65% इसकी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका बहुत स्लो है, 2 दिन तो या हफ्ते भर लग सकते हैं असर दिखने में दवा खाने के बाद, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वीक से मंथ तक होता है, यानी बहुत स्लो एक्टिंग काम है,
महीनों तक इसका एक्शन बना रहता है बॉडी में। डोज देखा जाए तो 150 मिलीग्राम पर 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है, और बाकी इसका मार्केट जो डोज मीटर है वो 5 mg के डोज में ही आता है, 0.5 mg पर मिनट इसका टाइम होता है। ठीक है, यूज़ देखा जाहे तो ये बेसिकली सुपर वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया केस में इसको दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट भी होंगे तो सीधी सी बात है, एडवर्स पर कार्डियक एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, हार्ट ब्लॉक, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक फेलियर, हाइपोटेंशन, ये होता है। पल्मोनरी की बात करें तो न्यूमोनाइटिस है, लीडिंग टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, कॉर्नियल मेटोपैथीसिस है, जीआई में डिस्टर्ब, अगर जीआईटी की बात करें तो वहाँ पर हाइपोटॉक्सिसिटी है, ये चीज़ें हो सकती हैं इसके सिंपल से साइड इफेक्ट। एमिट्रोन ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नोट्स प्रॉपरली लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी इसका अगर साइड इफेक्ट देखा जाए तो इसको एक ट्रिक है, एमिडोरॉन जो स्पेलिंग वही सेम AMIODARO, यानी तो ए से हो गया एंटीरिथमिक, एम से मल्टीपल एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन है कि इसका क्या क्या यूज होता है, सॉरी बेसिकली यूज़ की बात हो रही है, आई से आयोडीन कंटेनिंग, ओ से ओरली यूज मेनली, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इस तरह से आप पढ़ के भी इसको चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद दूसरी ड्रग फ्रेम एमिडोरॉन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वही था, एक हमारा ब्रिटिलियम है, फिर सोटोलॉल है, फिर डोल्फेलाइड या आइबुप्रोफेन है, इसके बारे में एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ बस इसको लिख लीजिएगा से, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो लास्ट वन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इसको भी फ्रेंड हम लोग क्लास फोर को भी जानते हैं, और इसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, वेरापरेमिल और डेटियाजेम है, तो इसके लिए इसमें बहुत डिटेल हमको पढ़ना नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पहले पढ़ा, बस इसका नाम लिख लेना काफ़ी है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो था एंटी एरिथमिक ड्रग्स को ख़त्म कर लिया है। अब हम बोर्ड में आपसे फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 में, और जो कि यूनिट 1 का आखिरी चैप्टर है। तो फ्रेंड, धीरे धीरे हम लोग यूनिट 1 के आखिरी चैप्टर पर पहुँच गए हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, उसको दो क्लास में पढ़ के ख़त्म करेंगे और यूनिट 1 को समाप्त करेंगे। बहुत लंबी यूनिट थी, कोलोजी थोड़ा लंबा होता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।